पाकिस्तानी मारूफ टिकटॉकर और कंटेंट क्रिएटर फातिमा जाफरी की सोशल मीडिया पोस्ट ने मदाहों को गमकीन कर दिया। फातिमा जाफरी ने गुज़श्ता रोज़ इंस्टाग्राम पर एक चौंका देने वाली स्टोरी शेयर की। स्टोरी में फातिमा ने अपने फॉलोअर से खुदकुशी से मुतालिक सवाल पूछा कि सबसे सवाल है, अगर खुदकुशी हराम ना होती तो कौन जिंदा नहीं होता। इस सवाल पर सबसे पहले खुद ही जवाब देते हुए टिकटॉकर फातिमा का लिखना था, मैं तो मरहूम हो चुकी होती। मारूफ कंटेंट क्रिएटर फातिमा जाफरी की इस पोस्ट के सबब इनके मदाहों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। याद रहे टिकटॉकर फातिमा जाफरी शेर व शायरी और मुख्तसर वीडियोस के सबब शोहरत रखती हैं। टिकटॉकर फातिमा जाफरी ने 2022 में कॉन्टेंट क्रिएटर शबर अब्बास से शादी की थी। रवां साल मार्च के माह में इस जोड़े ने अपने यहाँ पहली औलाद नन्ही परी को खुशामदीद कहा था। गुज़श्ता से फातिमा जाफरी और इनके शौहर शबर अब्बास के दरमियान अलहदगी के मुतालिक अफवाहें ज़ेरे गर्दिश हैं। फातिमा जाफरी इससे कबल पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजरने का भी एतराफ़ कर चुकी हैं।